अब डायमेंशन पार्ट टू के अंदर हम लर्न करेंगे बेसलाइन डायमेंशन, कंटिन्यू डायमेंशंस, डायमेंशन स्पेस एंड डायमेंशन ब्रेक कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन बेस लाइन, बेसलाइन डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लीनियर डायमेंशन मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं एक लीनियर डायमेंशन यहाँ पे पुट कर लेता हूँ एंड देन अगेन सेलेक्ट द योर बेसलाइन डायमेंशन। बेसलाइन डायमेंशन से ये इस डायमेंशन को बेस बना के आगे इसी के रेफरेंस में सारी की सारी डायमेंशन मुझे शो करेगी लाइक दिस। उसने इस लाइन को एक बेस लाइन बनाया और सारी की सारी डायमेंशन उसी लाइन से मुझे शो कर दी है। उसके बाद है हमारे पास कंटिन्यू डायमेंशन। कंटिन्यू डायमेंशन के लिए भी मुझे एक लीनियर डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है, मैं एक लीनियर डायमेंशन लूंगा एंड देन सेलेक्ट यूर कंटिन्यू डायमेंशन। अब यहां से आगे कंटिन्यू करेगी तो ये इस डायमेंशन को फिनिश होने के बाद सेकेंड डायमेंशन स्टार्ट होगी, सेकेंड डायमेंशन के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ एंड फिफ्थ एंड कंटिन्यू, ऐसे ही वो पार्ट बाय पार्ट कंटिन्यू होती रहेगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस लाइन डायमेंशन एंड कंटिन्यू डायमेंशन। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशन स्पेस। डायमेंशन स्पेस मान लेते हैं, जैसे अभी इन डायमेंशन के बीच में ही मुझे स्पेस चेंज करना है, एक डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा एज अ बेस डायमेंशन एंड देन सिलेक्ट ऑल डायमेंशन एंटर, देन एंटर द ऑटो वैल्यू, यानी कि जो हम लोगों ने ड्राइंग सेटिंग्स के अंदर जो भी वैल्यू हमने दी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। या फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इन डायमेंशन स्पेस से, मैं अपनी कोई डायमेंशन स्पेस देना चाहता हूँ, मैं डायमेंशन स्पेस लूंगा सिलेक्ट द बेस डायमेंशन एंड देन सिलेक्ट द रेस्ट डायमेंशन एंटर एंड स्पेसिफाई द वैल्यू। मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ उनको 1 दे देता हूँ, देन प्रेस एंटर। तो ये 1-1 का डायमेंशन का गैप सभी में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशन ब्रेक। अगर मुझे इस डायमेंशन लाइन को कहीं से ब्रेक डाउन करना है तो मैं डायमेंशन ब्रेक कमांड लूंगा यहां से एंड सेलेक्ट द डायमेंशन, मुझे ये डायमेंशन सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है ऑटो और मैनुअल। मैं पहले मैनुअल करता हूँ कि मुझे स्टार्ट पॉइंट कहाँ से देना है, ब्रेक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे मुझे उसको एंड कर देना है, तो डायमेंशन लाइन हमारी ब्रेक हो जाएगी। डायमेंशन, डायमेंशन ब्रेक, चेक द डायमेंशन। अगर मुझे यहाँ से डायमेंशन ब्रेक को रिमूव करना है, डायमेंशन ब्रेक हमारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास ऑटोमेटिक। सोच कीजिए कोई लाइन है हमारे पास जो डायमेंशन लाइन के अंदर बीच में आई हुई है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन लेंगे डायमेंशन ब्रेक, चेक द डायमेंशन, देन ऑटो डायमेंशन। यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करते ही जहां पे भी उसके अंदर क्रॉसिंग होगी वहां पे ऑटोमेटिकली ही ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जो ये डिस्टेंस है ये हम डायमेंशन स्टाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस वी वांट हियर। तो इस तरह से हम बेसलाइन डायमेंशन, कंटिन्यू डायमेंशन, डायमेंशन स्पेस और डायमेंशन ब्रेक कमांड को हम यूज कर सकते हैं।